नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 11 और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी के 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन अपने इस लाइव इंटरेक्शन में। और हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि हम बायोलॉजी में कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और समय आप ये टॉपिक सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बात करने के लिए। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम, किस बेसिस पे होता है एनिमल किंगडम में, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सर के बारे में बच्चों, हम आप सभी को बता दें कि सर फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से। आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो, कोई भी प्रश्न हो, या ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं एनिमल किंगडम के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, आप बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं अपनी सभी क्वेरीज के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है dth.class11@cit.nic.in। और इन सभी माध्यमों के अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से भी, जो है NCERT ऑफिशियल। आपको जाना है लाइव चैट बॉक्स में और वहां पर अपना कॉमेंट ड्रॉप करना है। और ये सबसे तेज माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों के साथ, अपनी क्वेरीज के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़े और हमारे विशेषज्ञ से बात करके अपने बातों का, अपने प्रश्नों का सोल्यूशन पाएं, उत्तर पाएं। तो सर, हम सीधे आपके पास आते हैं और हम आपसे डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। लेकिन हम एक बात करेंगे सर कि जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं, किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहां पर हजारों किताबें होती हैं। और जब हम लाइब्रेरियन से किसी एक पर्टिकुलर बुक की हम डिमांड करते हैं, तो हमें फटाफट वो बुक ला के दे देता है, क्योंकि वहां पर सर किताबें जो होती है उसको अच्छे से क्लासिफाई किया गया होता है, तो वो हमें फटाफट दे देते हैं क्लासिफिकेशन की वजह से। तो क्या सर, जब हम पेड़ पौधे और प्राणियों के बारे में बात करते हैं, तो क्या उसमें भी इसी तरह का क्लासिफिकेशन या ऐसा कुछ होता है सर? बहुत बढ़िया रेणु जी, आपने बहुत अच्छे उदाहरण के साथ में शुरुआत की है कि जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो बुक्स का अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है कि हम जब भी लाखों किताबें होती हैं, लेकिन लाइब्रेरियन तुरंत निकाल के दे देता है। यही स्थिति है प्राणियों की, वनस्पतियों की। हम करीब 17 लाख प्राणियों को जानते हैं, 1.7 मिलियन एनिमल स्पीसीज आर नोन टिल डेट, जो कि बहुत कम है। 10 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, परंतु जो विकास क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी का हुआ वो धीमा रहा, और उसकी वजह से क्या है कि हम बहुत सारे प्राणियों को अभी तक भी नहीं जान पाए। परंतु यदि हम उनको क्लासिफाई करें, उनको विभिन्न ग्रुप्स में अरेंज कर दें, तो किसी भी चीज की जरूरत होती है। जिस तरह से आपने पुस्तक के लिए बताया, आज हमें मान लो किसी स्पीसीज के बारे में जानकारी लेनी है ना, कोई भी प्रजाति है और कोई नई जंतु प्रजाति मिली है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि क्या ऑलरेडी वो डिस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय के बारे में मैं आपको बताऊं कि आईएएस तक, आईएएस के जो यूपीएससी में इंटरव्यूज होते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के इंटरव्यू होते हैं, वहां पर भी मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं, जो अपियर होते हैं इंटरव्यू के लिए, यहां पर आके कुछ दिक्कतें महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये विषय थोड़ा बड़ा मुश्किल सा है। और 11वीं के अंदर 14 चैप्टर जो है यही है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के बारे में, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो शुरुआत होती है, तो हमें ये जानकारी, हम मॉलिकुलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, बहुत सारी चीजों का अध्ययन करें, परंतु सबसे पहले तो हम उनको पहचाने तो सही ना, किस जीव जंतु के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, ये बहुत ही अच्छे विषय हैं, और इस पर यदि किसी को बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि नीट के एग्जामिनेशन में, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, और अभी कुछ समय के बाद में सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के एग्जामिनेशन से बच्चों को बहुत मदद मिलेगी। न केवल मदद मिलेगी परीक्षा के अंदर, परंतु साथ ही उनको अन्य क्षेत्र में जाते हैं, कहीं जॉब्स के लिए जाते हैं, वहां पर भी इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आज मैं उनको बड़ा क्लियर फंडामेंटल्स, क्योंकि मैं आपको एक बता देता हूं कि एनसीईआरटी की पुस्तक जो पहली कलर्ड बुक आई थी 2000 के अंदर, उसमें मैं इस विषय का ऑथर रहा।
जी मैंने ये विषय लिखा और उस विषय पर मैंने काफी अध्ययन किया और इसको पढ़ाया, तो मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक हैं, विद्यार्थी हैं, वो इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देखें, ये एक पावर पॉइंट मैंने दिखाया है इस पीपीटी के अंदर, चित्र के अंदर आप देखें कि बहुत सारे द ट्री ऑफ लाइफ, कितने आसपास में हमारे जीव जंतु हैं, और ये ट्री कब बना जबकि हम इनको क्लासिफाई कर पाए। जी, जैसे यहाँ पर हम चाहेंगे कि ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे दिखाई जाए। जी जी, तो हम चाहेंगे कि प्रेजेंटेशन जो है वो स्क्रीन पे दिखाई जाए। जी, ये अभी स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है क्या? जी सर। हाँ, तो ये स्क्रीन पर जो प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है आपको, और द ट्री ऑफ लाइफ विजिबल है रेणु जी, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, तो आप देखें कि बहुत सारे प्राणियों को अरेंज किया हुआ है और एक वृक्ष बना है जीवन का। तो इसके अंदर इनको ग्रुप्स में कर रखे हैं, जैसे बाईं तरफ आप देखें यहाँ पर स्तनधारी हैं, ये मैं आपको बताऊंगा क्या स्तनधारी होते हैं, हम डायनासोर्स के भी इसमें चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखें कि हमारे चारों तरफ मेंढक भी दिखाई देते हैं, उल्लू दिखाई देता है, टाइगर है, ये बहुत सारे प्राणी दिखाई देते हैं आसपास में, वनस्पति। तो हम इनके बारे में, या तो मैं बोल दूं कि एक जीव जंतु है, कोई दूसरा आदमी मेरे से पूछे जंतु क्या है, इसको क्यों हमने इस कैटेगरी में रख रखा है, क्या विशेषता है, तो ये क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी। पचमढ़ी जब जाते हैं टाइगर्स दिखाई देते हैं, एंगुलेट्स दिखाई, बहुत सारे जीव जंतु आप कभी भी जाएं, इवन दिल्ली में भी यदि जू में जाते हैं बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं। आप देखें एक फॉरेस्ट के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर आपको ज़ेब्रा भी नजर आएगा और ये मूस भी नजर आएगा। सो लेट्स मेक अ जर्नी थ्रू ए फॉरेस्ट। अब आपको विद्यार्थियों को इसमें थोड़ी रुचि पैदा करने के लिए हम एक छोटे से मध्य प्रदेश के जंगल में जाते हैं, और वहां भी आपके ही उम्र का एक विद्यार्थी है अमन विश्वास, वो सबको बता रहा है कि चलो मेरे साथ चलो। और ये फॉरेस्ट में जाने के बाद में हमको बहुत सारे जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, और ये जीव जंतु जो दिखाई देंगे ना, ये आपको एक रुचि पैदा करेंगे कि जब भी हम इनको देखने के लिए जाते हैं तो उनमें क्या, एक ये हरिण दिखाई दे रहा है आपको, ये मंकी दिखाई दे रहा है ना, अभी थोड़ी देर में कुछ ये देखो इजिप्शियन वल्चर है, है ना, एक तो था स्तनधारी था, अब ये चिड़िया, चिड़िया आई, चहकती आई। अब शिक्षक से बच्चा पूछता है कि सर ये क्या है, तो बता देगा ये वेबलर है, ये क्रोकोडाइल अंदर तैरता हुआ नजर आ रहा है, देखिए कितना खूबसूरत, और ये लंगूर भाग रहा है। अब सिर्फ ये कह देना कि ये लंगूर है, ये एक क्रोकोडाइल है, या एक बर्ड है, या ये कुछ हरिण चल रहे हैं, इससे काम चलता नहीं है। हमको इनके बारे में, ये नहीं कि एक हरिण है, हमें इनका नाम जानना चाहिए, प्राणी शास्त्रीय नाम, है ना। जैसे मेरा प्राणी शास्त्रीय नाम, मेरा नाम आपने अभी बताया प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा, लेकिन मेरा प्राणी शास्त्रीय नाम है होमो सेपियंस। होमो मेरा जीनस है, सेपियंस मेरी स्पीसीज है, और वही रेणु जी का है, और वही सारे विद्यार्थी जो सुन रहे हैं। तो ये जानकारी हम बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से बताते हैं ना, तो उसका हल निकल के आता है। जैसे ये सियार है, कितने सियार बचे रह गए, अब हम बोल दें कि भाई एक जंतु देखा था चार पैर वाला था, उससे काम नहीं चलता है, भालू दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये बहुत जरूरी है, आप जहां भी जाएं जिस जंतु को देखें वो किस श्रेणी में आता है, उसका वर्गीकरण क्या है। जैसे अभी रेणु जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि लाइब्रेरियन के पास में जाके एक पुस्तक मांगी, यही आप मान लो किसी प्राणी शास्त्र के प्रोफेसर के पास जाकर बोले कि सर मेरे को मेंढक देखना है, तो उसको जानकारी होनी चाहिए कि भाई वो क्लासिफिकेशन से उसने पता लगाया कि ये मेंढक होता है, ये एम्फीबियन होता है, ये क्लास एम्फीबियन में आता है। तो ये सारी जानकारियां मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने, देखिए डोमिसाइल क्रेन्स आती हैं राजस्थान में, ये बहुत सारे हंस उड़ के जा रहे हैं, ये हमारा खूबसूरत इकोसिस्टम है। कहीं भी आप चले जाएं तो आपको वृक्ष भी दिखाई देंगे, आपको मछली भी तैरती नजर आएंगी, क्रेफिश दिखाई देंगी, ये सारे जीव जंतु जो हमारे आसपास में दिखाई देते हैं। लेकिन जब तक इनको सही तरह से क्लासिफाई ना करें, इनको विभिन्न श्रेणियों में नहीं बांटें, कौन से जीव जंतु का स्तर क्या है, किसका ऊपर है नीचे है, तो ये एक सर, अगर हम इस तरह से देखें, इस तरह से हम देखें तो जैसे जो जीव जंतु हैं, जो पक्षी हैं, उनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होंगी, क्लासिफिकेशंस होंगी, और जो जंतु हैं उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होंगी, जो मरीन लाइफ है हमारी उसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस होंगे फिर।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया कि ये जितने भी प्राणियों का उदाहरण आपने दिया है, मराइन एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, पेड़ पर रहने वाले हैं, इन सबको क्लासिफाई किया हुआ है। परंतु वैज्ञानिकों ने इतना बढ़िया काम किया कि उनको एक सुदृढ़ आधार, ये पूरे विश्व के, मतलब ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर देश के वैज्ञानिकों ने, पूरे, मेरा भी इसमें काफी कंट्रीब्यूशन रहा है कि हम किस तरह से किन गुणों के आधार पर, ये क्लासिफिकेशन गुणों के आधार पर होता है। जी आप लाइब्रेरी में जाते हैं कि मेरे को मॉडर्न इंडिया की किताब दें, मॉडर्न इंडिया की किताब लाइब्रेरियन आपको इसलिए देता है क्योंकि मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स उसमें हैं, यानी कि गुण हैं, तभी उन्होंने उसको हिस्ट्री के कैटेगरी के अंदर उसको रख रखा है। इसी तरह से हम प्राणियों को भी विभिन्न, तो द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी, हमारे चारों तरफ जो देखिए पूरा जीव जंतु जो दिखाई देते हैं, बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी है। और भारत एक मेगा डाइवर्सिटी, वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। हमें देखिए हमारी संपदा को पहचानना चाहिए, हम आज तक अपने चारों तरफ उपस्थित इन प्राणियों को सही तरह से नहीं पहचान पाए। ये संपदा हमारे सोने और हीरे से ज्यादा है। लोग अब इनको पहचान के, बहुत सारे यूजेस इनके होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हमको हमारे बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। तो जब तक उनको कैटेगराइज नहीं करेंगे, आज मान लो आपको कोई कहता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर एनिमल का स्टडी करना है, जब तक उसका क्लासिफिकेशन नहीं है, वो कहाँ मिलता है, उसकी जानकारी नहीं है। अब सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए एक डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट्स इज रेफर्ड टू एज टैक्सोनॉमी, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करना, उनको क्लासिफाई करना, उनको किस किस श्रेणी में रखते हैं। सो टैक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनका नाम देना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको विभिन्न समूहों में रखना, ये टैक्सोनॉमी है। जैसे मैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं ना, अपने सरीसृप है, मेंढक है, इनका विशेषज्ञ माना जाता हूँ, तो मेरे को हर्पेटोलॉजिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं, ये साहब इन जंतुओं के विशेषज्ञ हैं। इसी तरह से कई बर्ड्स के विशेषज्ञ होते हैं, सालिम अली साहब का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने बर्ड्स पर बहुत काम किया, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये टैक्सोनॉमिस्ट हैं, यानी कि जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, उनके नाम देना, उनको विभिन्न समूह, जैसे टैक्सोनॉमी में क्या है, रैंक्स होती हैं, है ना, सबसे ऊपर की रैंक है किंगडम, उसके बाद में आता है फाइलम, ये मैंने लाल में शो कर रखा है, फिर आती है क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये एक टैक्सोनॉमी की रैंक्स हैं। तो टैक्सोनॉमी को कुछ वैज्ञानिक बायोसिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं, और इसके अंदर यही है कि उनको कैसे नाम दिया जाए, इनको वर्गीकृत कैसे किया जाए, क्या आधार होना चाहिए उनको समूह में रखने का, है ना। जैसे आप एक सिंपल सी शब्द है, स्तनधारी, मैमल्स, मैमल्स क्यों, क्योंकि उनके अंदर कान यानी पिन्ना होते हैं, उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, तो ऐसे प्राणी जिनमें ये गुण पाए गए, हमने उनको मैमल बोल दिया। इसी तरह से जल के अंदर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तैरते नजर आते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जो सिंगल सेल वाले हैं उनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनको प्रोटोजोन बोल दो। ऐसे उनके गुणों के आधार पर हमने उनको वर्गीकृत करने की कोशिश की, और ये एक उससे फिर एक हायरकी बना लिया ना, हायरकी होती है ना, अपने जैसे हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल है, सीईओ है, तो ऐसे ही प्राणियों को भी वर्गीकृत करके उनका श्रेणी बना दी। तो सबसे ऊपर किंगडम आता है, राजधानी, किंगडम है, प्राणी ये कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, किस फाइलम को बिलोंग करता है, अगली श्रेणी है। जैसे मैंने अभी आपको सिंपल एग्जांपल बताया कि एक सीईओ है, उसके नीचे नीचे डायरेक्टर जनरल है, फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है, ऐसे हमने हायर की श्रेणी बना रखी है। ऐसे ही टैक्सोनॉमी में भी, और ये इनकी पुस्तक में इस तरह की जानकारी दी हुई है कि ऐसी श्रेणी बनी हुई है, और इसका श्रेय जाता है एक बहुत बढ़िया, मैं नतमस्तक हूँ, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर का। ये बच्चे काफी जानते भी हैं, 1969 में इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। यहाँ एक अच्छी शुरुआत हुई, इससे पहले टेक्सोनॉमी यानी कि जो क्लासिफिकेशन और इन सारी चीजों का अध्ययन होता था वो इतना सिस्टमेटिक नहीं था जितना बढ़िया। और इनके पुस्तकों के अंदर, हमारे एनसीईआरटी पुस्तकों के अंदर भी 1969 रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ये नाम बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने सभी जीव जंतु जो भी हमारी धरती पर पाए जाते हैं उनको पांच किंगडम के अंदर, इसलिए इनको प्रसिद्ध नाम दिया गया है,
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, मैं समझता हूँ बच्चों को बहुत, मतलब मेरा समझाने का अभिप्राय यह है कि ऐसे समझ में आ जाए कि कहीं भी कभी कोई इंटरव्यू के लिए जाएं, परीक्षा में जाएं और इस विषय से संबंधित प्रश्न आते ही हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जितने भी जो पहले के समय के या बहुत क्लासिकल जो जुआलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उनकी ये बहुत मजबूत हैं, लेकिन नए समय के अनुसार बहुत सारे नए नई चीजें आ गई, मॉलिकुलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, तो काफी बच्चे, काफी शिक्षक ये पुराने जो क्लासिकल बायोलॉजी को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, तो मैं इसको और सुदृढ़ करना चाहता हूँ। तो विटेकर साहब ने, आरएच विटेकर साहब ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, यानी कि सभी जीव जंतुओं को एक किंगडम मोनेरा, दूसरी है प्रोटिस्टा, तीसरी है फंजाई, चौथी है प्लांटी और पांचवी है एनिमेलिया। हम एनिमेलिया में आते हैं। आप, मैं, सुनने वाले बच्चे और जो भी प्राणी जो है ना, वो सब एनिमेलिया में आते हैं। परंतु देखो, मैंने चित्र से भी दिखा रखा है, ये चित्र किसी पुस्तक में नहीं दिया है, जो कि मैंने ये बनाने की कोशिश की कि बच्चों को क्या है कि कई बार क्या है, एक टेबल दे दी और फिर वो कहते हैं तो बड़ी बोरिंग लग रही है। मैं देखिए बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ कहाँ कठिनाई आती है। तो मैंने मोनेरा, है ना, सबसे पहले तो मोनेरा प्रोटिस्टा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो अपन अल्फाबेट में एम पहले आता है ना, एल एम एन ओ पी, तो पहली किंगडम एम मोनेरा और दूसरी किंगडम है प्रोटिस्टा। तो बच्चों को याद करने के लिए सिर्फ अंग्रेजी के अल्फाबेट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं प्रोटिस्टा मोनेरा फंजाई एल्वी, मतलब सीक्वेंस सही होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन की जो ब्यूटी है, चाहे वो लाइब्रेरी में है या हम किचन में अपने जाते हैं, घर में जाते हैं ना, हम मसालों को अलग अरेंज करते हैं, हम चाय का सामान अलग अरेंज करते हैं, हम दूध से बनी चीजों को अलग अरेंज करते हैं, ये तो क्लासिफिकेशन है, हर जगह काम आता है। तो मनुष्य जब बुद्धि वाला मनुष्य बना, हम आज का जो सिविलाइज ह्यूमन बीइंग है, उसने अपनी सुविधा के लिए, अच्छे यूजेस के लिए क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। हर जगह होता है, चाहे कहीं भी देखें, फर्नीचर है तो कुर्सियां अलग है, टेबल अलग है, डाइनिंग टेबल अलग है और दूसरी चीजें। तो मैंने चित्र में दिया है कि मोनेरा, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना चित्र में, मैं कर्सर जो लेकर आ रहा हूँ, यानी कि ये यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ये यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट आते हैं। वायरस के बारे में अभी भी कंफ्यूजन है, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखें कहाँ रखें, लेकिन बड़ा सिंपल सा है कि इसमें बैक्टीरिया, मोनेरा में आप सीधा उदाहरण है बैक्टीरिया। फिर प्रोटिस्टा, जब भी एक बूंद पानी को कहीं भी तालाब से लेकर आए और माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, मैं दिखाऊंगा चित्र, तो आपको छोटे छोटे एक कोशिकीय जंतु तैरते नजर आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तैरते नजर आते हैं। रेणु जी, बहुत कई बार मेरे से बच्चे सवाल करते हैं, यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट में भी पूछते हैं, सर आप हिंदी में बोलते हैं, कृपया इंग्लिश में। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, हमारा उद्देश्य है कि आपको समझाना, लैंग्वेज तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, तो मैं जहाँ हिंदी होती हूँ वहाँ इंग्लिश को भी करने की कोशिश करता हूँ। क्या एक कोशिकीय बोला था, यूनिसेल्युलर भी बोल दिया, तो ये पानी की बूंद के अंदर नजर आता है। फिर फंगस तो आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, आपने देखा होगा ये जब भी ब्रेड के अंदर फफूंद लग जाती है ना, फफूंद जिसको बोलते हैं, फंजाई जो लग जाती है, तो ये फंजाई है। और फिर प्लांटी, प्लांटी माने प्लांट्स, मैंने कई जगह देखा, कई पुस्तकों में प्लांट लिख रखा है, एनिमल लिख रखा है, जो विटेकर ने जो शब्द दिया हमको वही फॉलो करना है, प्लांटी, पी एल ए एन टी ए ई, एनिमेलिया में ये करना है। तो सभी प्लांट्स प्लांटी में आते हैं, किंगडम में आते हैं, और सभी एनिमल पांचवी। अब मैं समझता हूँ कि सारे विद्यार्थी हमारे समझ गए होंगे, सभी बैक्टीरिया मोनेरा में, सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में, सभी फफूंद फंजाई फंजाई कैटेगरी के अंदर आती है, और फिर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। ये सबसे पहला मूलभूत समझना है, यदि ये समझ में आ गया तो आगे की, और इनकी फिर ये है कि इनमें क्या होता है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं, बहुत बहुकोशिकीय हैं, न्यूक्लियस कहता है, न्यूक्लियस इसमें डिस्टिंक्ट नहीं होता है, बैक्टीरिया में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का है, ये मैं अभी आगे समझाऊंगा। ये इनके गुण है जिनके आधार पर इनको किंगडम में रखा जाता है। तो नीचे तो गुण देख लो, चित्र देख लो, और ऊपर किंगडम देख लो, इस तरह से विद्यार्थी हमारे इनको अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब देखो, ये किंगडम जो एनिमलिया, क्योंकि हम आज चौथा चैप्टर है वो एनिमल क्लासिफिकेशन से संबंधित, तो एनिमेलिया वाला जो पांचवा जो किंगडम है उसमें
दो कैटेगरीज होती हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, माने कि उनका शरीर सेल से बना हुआ है या बहुत सारे टिश्यूज ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम से बना है। ठीक है, जैसे मेरा शरीर है बहुत सारी सेल से बना हुआ है, हाथी का, घोड़े का, मछली का, तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम ये थोड़ा सा जब ऊंची श्रेणी में चले जाते हैं, और नीची श्रेणी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनकी सिमेट्री कैसी होती है ना, सिमेट्री भी मैं बताऊंगा आगे क्या इनकी रचनाएं। जैसे मेरे एक हाथ दाईं तरफ है, एक हाथ बाईं तरफ है, इसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, परंतु स्टार फिश को देखो तो उसमें पांच भुजाएं नजर आती हैं, उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, इसको मैं समझाऊंगा। तो उसकी सिमेट्री कैसी है जिनमें टिश्यू, मान लो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया ना, तो वो रेडियली सिमेट्रिकल है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। हमारे शरीर के अंदर एक कैविटी होती है, जैसे मैंने अभी खाना खाया, आपने खाना खाया, खाना आराम से अंदर चले जाए, खाने के अंदर पचने के दौरान जो मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन में, सांस ले रहा हूं, मेरा दिल धड़क रहा है, एक बहुत बढ़िया चीज नेचर ने हमको दी, सीलोम बोलते हैं इसको, बॉडी कैविटी। इस सीलोम के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जो हमारे सभी अंगों को सही तरह से काम करने देता है, लेकिन ये सीलोम सभी जंतुओं में नहीं होती है। जैसे बहुत छोटे जो प्राणी होते हैं, हाइड्रा है, स्पॉन्जेस हैं, और भी छोटे हैं, उनमें सीलोम नहीं, इसलिए उनको एसीलोमेटा बोलते हैं। परंतु जहां ऑर्गन्स आदि आगे, उसमें जहां पर भी आपको सीलोम नजर नहीं आया है, वहां सीधा बोल दें एसीलोमेट। जैसे हाइड्रा है, सिलेंट्रेटा, एक फाइलम आएगा मैं अभी आगे बताऊंगा, टीनोफोरा, ये दो ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं, इसमें सीलोम नहीं होती है। परंतु जिनमें दोनों तरफ की सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री होती है, उसमें या तो सीलोम नहीं होती है। जैसे हमारे पेट में कई बार कीड़े होते हैं, आपने सुना होगा, उसके प्लेटी हेलमेंथीज हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, चपटे चपटे से कुछ ऐसे हमारे पैरासाइट्स पाए जाते हैं, और विशेषतर कभी कभी जो है पिग के साथ में, पिग को कच्चा या किस तरह से खाने में हेलमिंथ्स बोलते हैं, इनसे बीमारी होती है। वो चपटे होते हैं, उनके अंदर भोजन को बाहर से लेते हैं, उनको आहार नाल की जरूरत नहीं होती, एलिमेंट्री नाल की, वो एसीलोमेट होते हैं। परंतु जैसे ही एक पेट में कीड़ा और होता है एस्केरिस, कई लोग जानते हैं कि बच्चा जो है वो खाना खा रहा है लेकिन सारे वो कीड़े खा रहे हैं, कृमि बोलते हैं ना इनको, अस्पताल जाते हैं डॉक्टर इनको कृमि निकालने की, है ना, एक तो फीता कृमि होते हैं और एक गोल कृमि होती है। तो गोल कृमि के अंदर बहुत इंटेस्टाइन का बनने की प्रारंभ होता है, इसको स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं, यानी कि उनके अंदर सिलोम आभासी होती है, क्यों नहीं होती है? परंतु हम जिसमें कैंचों से लेके मधुमक्खी, तितली, घोंगे, सीपी, स्टारफिश, इन सब के अंदर एक अच्छी कैविटी पाई जाती है, सिलोम पाई जाती है। तो देखिए श्रेणी किस तरह से चल रही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, इस तरह से इनको विभिन्न समूह में, फाइलम, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। तो ये एनसीआरटी की पुस्तक से 4.4 फिगर को लिया और मैंने समझाया, और अब इनको मैं बताता हूं कि कैसे। मैंने यहां बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि अभी बच्चों को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, हालांकि ये सातवीं क्लास से इस तरह की चीजें पढ़ते आ रहे हैं, जब भी इन्होंने सेल्स को देखा, टिश्यूज को देखा। तो हमारे शरीर में जितने भी प्राणी होते हैं ना रेणु जी, पूरे दुनिया में, वो या तो सेल के बने होते, सिंगल सेल के, या बहुत सारा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, स्पंज होते हैं ना, पानी में स्पंज वगैरह पाए जाते हैं, इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू भी ढंग से नहीं बन पाते हैं। फिर जो हाइड्रा होते हैं, सी एनुमन, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो सिलेंट्रेटा में आते हैं, इनमें टिश्यूज होते हैं, यानी कि इनमें बहुत सारे ऑर्गन्स का विकास नहीं होता है। फिर ऑर्गन्स कब बनते हैं, ये जैसे मैंने अभी हेलमिंथ्स बताया ना, जो टेप वर्म है, फेसियोला है, इनके अंदर ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन, जैसे मेरा शरीर है उसमें कई ऑर्गन्स हैं, एलिमेंट्री के नाल एक ऑर्गन है, मेरे लीवर एक ऑर्गन है, मेरे लंग्स ऑर्गन है, जब बहुत सारे ऑर्गन से बनके बॉडी बनती है, उसको ऑर्गन सिस्टम, देखिए कैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तक नेचर ने बनाया, और यही हायरकी चलती रहती है। और इन आधारों पर ही हम उनको कहते हैं भाई ये जंतु को स्पॉन्जेस में रखें, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है फ्लैट तो दिखाई दे रहे हैं जंतु, परंतु इनके अंदर ऑर्गन बहुत सिंपल से बने, इनको प्लेटी हेलमिंथ्स में रख दो,
तो जैसे लाइब्रेरियन पुस्तकों को रख देता है ना, ये हिस्ट्री के रैक में रख दो, ये प्राणी शास्त्र में रख दो, ये सोशियोलॉजी में रख दो, ऐसे ही वैज्ञानिक जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो इन गुणों के आधार पर उनको विभिन्न समूहों में रखते रहते हैं। अब पहला जो आधार था, मैं आधार बता रहा हूं, ये बच्चों को आना चाहिए, पहला आधार था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सेल्यूलर टू ऑर्गन सिस्टम। दूसरा आधार है जर्म लेयर्स। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो हमारे शरीर में विभिन्न लेयर्स बनती हैं जो प्रारंभ के अंदर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, चाहे कोई भी हो, आप हाथी है, घोड़ा है, मनुष्य है, कोई भी है, जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तो प्रारंभ में तीन स्तर, बहुत बढ़िया चित्र है ये, बाहर की लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं जिससे कि हमारी त्वचा बनती है, अंदर की लेयर एंडोडर्म है जिसमें हमारी आंतें वगैरह बनती है और सारी मसल्स, कार्टिलेज, बीच की जो है ना गुलाबी गुलाबी, इससे बनती है, मीजोडर्म से बनती है। ओके। और चूंकि मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया है तो मेरे को तो जबानी याद है सारी चीजें, तो यदि ये तीनों लेयर है, इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट, यदि ये तीनों लेयर है, एक दो तीन, है ना, अंदर की दिखाई दे रही, बीच की गुलाबी दिखाई दे रही, बाहर की, इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट, ब्लास्ट माने लेयर और ट्रिपल माने तीन। परंतु जैसे हाइड्रा जो पानी में पाया जाता है, मैंने चित्र भी साथ में दे दिया जिससे समझ में आ जाए, हाइड्रा मैंने बोला, हाइड्रा का चित्र भी साथ में लगा दिया, इसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती हैं। बीच की लेयर देखो, ये गुलाबी जो है ना, ये कोशिकीय लेयर नहीं है, ये एक तरह से फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्ट बोलते हैं। तो देखो ये लिख रखा है ना, ए डिप्लोब्लास्ट, बी ट्रिप्लोब्लास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूजन व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्ट एंड व्हाट इज डिप्लोब्लास्ट। जब दो क्लियर लेयर होती हैं, बीच में एक फ्लूइडिस लेयर है, डिप्लोब्लास्ट, उदाहरण हाइड्रा। जब तीनों लेयर्स होती हैं, उदाहरण जैसे केंचुआ है, मक्खी है, सारे सब ट्रिपल ब्लास्ट हैं, इनमें तीन लेयर्स पाई जाती हैं। अब तीसरा आधार है, बहुत महत्वपूर्ण है, सीलोम। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है और उसी के अंदर विभिन्न ऑर्गन्स जो हैं बहुत फ्री मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे हमें पता भी नहीं चल पाता है, हम जब चल रहे हैं तो हमारी किडनीज भी बिल्कुल कंफर्टेबल पोजिशन में रहती है, लंग्स भी कंफर्टेबल पोजिशन में रहते हैं, ये सफेद सफेद जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज ए एरिया सीलोम, बॉडी कैविटी। तो ये यहां पर आप देखो, सीलोम मैंने वो कर डेजिग्नेट कर रखा है, ये सीलोम बॉडी कैविटी है, लेकिन यहां पर जो एस्केरिस है, जो राउंड वर्म होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है कि पूरी तरह से ये सफेद नहीं होती है, इसमें बीच बीच में इस तरह के पाउचेस होते हैं, तो इसको स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं कि पूरी तरह से क्लीन नहीं होती है, क्योंकि इन जंतुओं में इतने ज्यादा अंदर के ऑर्गन्स की मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है। परंतु ये फीताकर्मी हो गया, टेपवर्म हो गया, फेसियोला हो गया, ये इनके अंदर सीलोम देखो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ये इंटेस्टाइन है, ये मीजोडर्म है और ये बाहर के एक्टोडर्म है, सीलोम यहाँ पर नहीं है, इसलिए इनको ए सीलोमेट बोलते हैं, ए सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट मीन फाल सीलोम, एंड सीलोमेट, सीलोमेट का उदाहरण है अर्थवर्म, केंचुआ। बच्चों को मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर मैंने बता दिया कि जहां पर अंदर बॉडी कैविटी क्लियर होती है उसको सीलोमेट बोलते हैं। ये ग्रुप्स हैं, नाम दिए हैं वैज्ञानिकों ने, जहां पर कुछ पाउचेस पाए जाते हैं स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं, और जहां बिल्कुल ही नहीं होती सीलोम, देखिए मीजोडर्म भरी पड़ी है तो यहाँ सीलोम है नहीं, इसलिए इनको ए सीलोमेट बोलते हैं। चौथा क्राइटेरिया अभी मैंने बताया ना, सिमेट्री। अब देखिए, जब भी हम किसी भी एंगल पर ऐसे काटे, रेडियस पर, कि सभी तरफ काटने के बाद में इक्वल भाग नजर आए, है ना, जैसे एक फ्लावर उसको अपन काटे तो उसमें हर हिस्सा नजर आएगा, कहीं से भी रेडियस से काट लो। परंतु जब हम ये केकड़ा है, क्रैब है, इसको काटते हैं तो देखो, एक इसका ये हिस्सा नजर आया एक तरफ काट में और इस दूसरा दूसरा आया, इसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। जैसे मैं भी बायलेटरल सिमेट्रिकल हूं, यानी कि बाईं तरफ एक हाथ है तो दाईं तरफ भी एक हाथ है, बाईं तरफ एक पैर है तो दाईं तरफ भी, इसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। मैं समझता हूं कि इस चित्र में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज द 2000, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये अभी मिलता नहीं है, बिकॉज ये सब नया एडिशन आ जाता है, पुराने एडिशन मिलते नहीं है,
और कई जो आजकल अमेजन वगैरह फ्लिपकार्ट वाले तो उनको बहुत महंगा बेचते हैं। दिस इज द चैप्टर रिटन बाय मी। तो इसमें रेडियल सिमेट्री है, एडमसिया है, ये इसके अंदर मधुमक्खी के अंदर बाइलेटरल, एक पंख इधर है दूसरा पंख उधर है। ऐसे ही मछली के अंदर भी एक फिन उधर है तो दूसरा फिन इधर है, इसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं और ये रेडियल सिमेट्री कहलाती है। अब मैं आ जाता हूं कि आगे फिर क्या करें। ये तो आपने आधार दे दिया जिसके आधार पर आपने फाइलम बना दिए बहुत सारे कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है, टिश्यू वगैरह है। अब जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई तो जो कॉर्डेट्स आए, देखिए जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, है ना, और जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको कॉर्डेट बोलते हैं। तो टिपिकल कॉर्डेट करेक्टर, ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, व्हाट आर दी थ्री टिपिकल कॉर्डेट करेक्टर, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये बोल दिया आपको समय से सौ नंबर मिल गए। तो देखिए ये चित्र में भी बता रखा है कि ये अपने जो है ना रीढ़ की हड्डी होती है ये होलो होती है प्रारंभ के, और ये सभी के, जैसे मेरे अभी नोटोकॉर्ड नहीं है लेकिन मेरे वर्टिब्रल कॉलम बन गई, ये मैं जो घुमा रहा हूँ ना कर्सर, नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देती है ना अपने तंत्रिका जो होती है उसमें, और मेरे गिल स्लिट्स डिसअपियर हो गए क्योंकि मेरे तो लंग्स बन गए। अब मैं कोई मछली के अंदर ये आखिर तक बने रहते हैं जी। तो ये कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं, और जो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है नॉन कॉर्डेट होते हैं, इनमें ये चीजें एब्सेंट होती है। बड़ा सिंपल है, इस टेबल पर भी बच्चे कहते हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी सिंपल है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फेरिंग्स, हार्ट इज वेंट्रल, पोस्ट एनल पार्ट। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, कई बार ये पूछ लिया जाता है, पूछ की परिभाषा बताओ, सिंपल डेफिनेशन। बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी कई बार इसमें गचका। पोस्ट एनल, एनस जो होता है ना जहां से कि हम मल त्याग करते हैं उसके पीछे का हिस्सा होता है उसको पूंछ बोलते हैं। पोस्ट एनल पार्ट इज नोन एज टेल। ये भी बच्चों को, ये मैंने यहाँ टेल मैंने खुद ने टाइप करके प्रिंट किया है। ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो अब मैन, हाँ हम ही से शुरू करें, हमारा नाम है होमो सेपियन, हमारा जीनस है फर्स्ट, जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉर्मल क्रिएचर में पहला जो वर्ड होता है वो तो जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। तो रेणु जी यदि मान लो आप मेरे से पूछें कि सर आपका जीनस क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, होमो, और मेरी स्पीसीज क्या है, सेपियंस, और यही आपका है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, आपका जो नाम है व्हाट इज योर जूलॉजिकल नेम, आई एम होमो दैट इज माय जीनस एंड सेपियंस माय स्पीसीज। सभी मनुष्यों का ये होता है, हम होमिनिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और ऑर्डर प्राइमेटा आता है, और हम क्लास ममेलिया में आते हैं जिसमें हमारे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, कान पाए जाते हैं, पिन्ना होते हैं, बच्चों को ये जन्म देते हैं, और इनको फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। ऐसे हम कोई ये चार एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने एनसीईआरटी ने, घर की मक्खी, आम, वीट। हम चूंकि एनिमल से, अब हाउस फ्लाई है इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस तो हो गया मस्का और डोमेस्टिका हो गया इसकी स्पीसीज, बड़ा क्लियर है, सिंपल है ना, मस्का जीनस हो गया। अब ये किस फैमिली में, परिवार में आता है, ग्रुप में आता है, मसिलेडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इसकी इंसेक्ट है। इंसेक्ट में क्या होता है कि पंख पाए जाते हैं, तीन जोड़ी लेग्स पाए जाते हैं, इनको आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। अब मैं, आपने बहुत बढ़िया प्रारंभ का जो प्रश्न पूछा वो इतना रेलिवेंट है। अब जैसे मान लो आप गए और आपने लाइब्रेरियन से बोला कि सर मेरे को हिस्ट्री की किताब चाहिए, तो लाइब्रेरियन आपको बोलेगा कि मैडम कौन सी वाली चाहिए, सर मेरे को मिडाइवल इंडिया चाहिए, या मेरे को एंशियंट हिस्ट्री चाहिए, या मेरे को मॉडर्न इंडिया चाहिए। अब आप मॉडर्न इंडिया की भी बात करें तो फिर वो पूछेगा किस ईयर से किस ईयर तक की चाहिए, किस ईयर को। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि उनको कैटेगराइजेशन कर रखा है। यही हाल है हमारे प्राणियों के वर्गीकरण में, हमने जीनस बता दिया होमो था, फैमिली बता दी कि हम सारे के सारे होमिनिड्स हैं, हम प्राइमेट कैटेगरी में आते हैं जिसमें लंगूर भी आते हैं, बंदर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, ओरंगटोन भी आते हैं, और हम सब स्तनधारी हैं। यही सिस्टम चलता है क्लासिफिकेशन का। तो डियर स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स अ वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी क्या है। ये भी मैंने एक अच्छा तैयार किया है आपको कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं।
वर्टिब्रेटा। अब इनमें भी दो चीजें दे दी नेचर ने, एक में जिनमें मुंह तो दिया है लेकिन उसमें जबड़े नहीं दिए, देर इज नो जॉ। हमारे जबड़े ना, मैं खाना खाता हूँ जबड़े से खा लिया, इनको एग्नेथा बोलते हैं। और उदाहरण बहुत बढ़िया है पेट्रोमाइजोन, समुद्र में पाई जाने वाली ये एक मछली नुमा होती है पेट्रोमाइजोन, और इसके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं। अब ये किसी भी बड़ी मछली के चिपक जाती है और उसको चूसती रहती है, उसका खून चूसती रहती है, व्हेल्स वगैरह में भी चिपकी रहती है। तो एक तो लेकिन इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए इनको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। अब दूसरा श्रेणी इनकी है जिनमें जबड़ा पाया जाता है, उनको बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। देखिए टर्म है ना, ये ज्यादातर ग्रीक वर्ड्स वगैरह ले रखे हैं, ग्रीक में जबड़े को ग्नेथो वगैरह, तो ये इसमें अंग्रेजी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि ये शब्द क्या आ गया। तो जहां जबड़े हैं वहां ग्नेथोस्टोमेटा, इसमें सारे मेंढक और ये चैमिलियन और ये तोता पैरट और ये रैबिट, इन सब में जबड़े पाए जाते हैं, है ना। फिर इनकी दो सुपर क्लास है, मतलब क्या है कि रीढ़ की हड्डी भी मिल गई, जबड़े हैं या नहीं है तो जबड़े मिल गए। अब इसके बाद में एक श्रेणी है जिसमें सारे समुद्र में पाई जाने वाली सारी मछलियां और जलीय यहाँ पर अपने एलवणी जल में पाए जाने वाली सारी मछलियां सब सुपर क्लास पीसीज बोलते हैं, पाइसीज पीसीज जो भी बोलना चाहें, इसमें सभी मछलियां आती हैं। परंतु ये मछलियां भी दो तरह की होती है, एक में तो सारा शरीर जीवन भर तक कार्टिलेज का बना होता है, जैसे मेरी नाक है ना ये पूरी हिल जाती है क्योंकि कार्टिलेज की है। आप कान हिलाकर देखे, कान के नीचे की लोब सिल जाती है, कार्टिलेज होता है। इन मछलियों के अंदर शार्क्स कितनी खतरनाक होती है लेकिन इनमें शरीर कार्टिलेज का बना होता है, लचीलापन होता है। परंतु वो मछलियां जिनमें उनका अंदर का स्केलेटन जो है हड्डियों का कन्वर्ट हो जाता है, उनको ओस्टिक्टिस बोलते हैं। तो ये दो श्रेणियां और होगी, मछली वाली सुपर क्लास में भी दो श्रेणी होगी, एक तो कॉन्ट्रिक्टिस और ओस्टिक्टिस। अब आ गया जिनमें चार पैर होते हैं, टेट्रापोड, पोड माने पैर। तो अब चार पैर वाले कौन कौन से हैं, ये चार पैर वाला मेंढक है, चार हाथ पैर, पैर का मतलब हाथ पैर जिसमें होते हैं, ये चमेलियन है। इसमें पक्षियों के अंदर हाथ जो होते हैं पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, फोर लिम्ब जो होते हैं ना पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, और रैबिट में तो आप जानते हैं चारों हाथ पैर होते हैं। तो टेट्रापोड के अंदर जहां पर त्वचा के अंदर कोई बाल या उनमें स्केल्स वगैरह नहीं पाए जाते, नेकेड त्वचा होती है, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। इनमें एक बहुत क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें स्किन डेरिवेटिव्स नहीं मिलती, और भी गुण होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और रेप्टाइल्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, आप देखें क्रोकोडाइल्स के अंदर स्केल्स होते हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं। बर्ड्स में जो एव्स हैं इनके अंदर पंख पाए जाते हैं। अब जैसे आप मेरा क्लासिफिकेशन में यदि मैं बोलूं कि रेणु जी मेरे को आप एवीज में रख दें, आप कहेंगे नहीं सर एवीज में कैसे रख दें, आप तो पंख है ही नहीं। मैं बोलूंगा नहीं मेरे को तो रेप्टाइल्स में, मैं स्तनधारी में नहीं रहने दूंगा। सर आपके यहाँ तो शरीर में वो तो है ही नहीं, स्केल्स ऐसे तो है नहीं। फिर मैं बोलूंगा मेरे को एम्फीबिया में रख दो। अरे आपके अच्छे खासे तो आपकी त्वचा बनी हुई है, इसमें हेयर है, ये एम्फीबिया में कैसे। तो देखिए ये सिंपल तरीके हैं कि हम गुणों के आधार पर इनको रखते हैं। यदि ये टेबल जो मैंने अभी समझाई ये समझ में आ गई तो आप मानकर चलो आपकी टैक्सोनॉमी की बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत नींव बन गई, बहुत ही मजबूत बन गई। अब ये डिफरेंट फाइला मैंने बताया ना, ये फाइलम क्लास ऑर्डर जीनस ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, हायरकीज हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि डिप्टी मैनेजर, सुपर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, तो ये बहुत सारे जैसे सबसे नीचे जो मल्टी सेलुलर है जिनमें ज्यादा कोशिकाएं होती है, पोरीफेरा फाइलम होता है, ये 11वीं के बच्चे इसको समझ जाते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो फाइला है सिलेंट्रेटा, माने बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में और ज्यादा जटिलता आ जाए। फिर इसके बाद में टीनोफोरा है, कॉम जेलीज होती है। फिर प्लेटीहेलमिंथ्स हैं जिसमें फ्लैट वर्म्स पाए जाते हैं, एस्केलमिंथ्स जिसमें राउंड वर्म पाए जाते हैं जो अपने हाथों में पैरासाइट्स होते हैं, एनेलिड्स हैं जिसके ये सारे केंचुए वगैरह जो होते हैं एनेलिडा के अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोड सारे मकड़ी स्कॉर्पियन तितली सब ये आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। मोलस्का तभी भी हम समुद्र में जाते हैं, सीपी और ये घोंगे शेल्स वगैरह नजर आते हैं ना, तो ये मोलस्का में आते हैं। अब आगे सारी तारा मछली वगैरह जो होती हैं, सी कुकुम्बर, इकाइनोडर्मेटा,
ये नेचर ने बनाया, ये इकाइनोडर्मेटा बड़ा स्पेसिफिक ग्रुप है, इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया, यानी कि इनकी सिलोम भी जो है अपनी जैसी क्वालिटी की होती है, एंट्रोसिलस सिलोमेट्स कहलाते हैं ये। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एक आता है जो अभी वर्टिब्रेट या कॉर्डेट से बीच की लिंक होती है, हेमी कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो ये श्रेणियां बनाती है ना, फाइलम में श्रेणियां बनती गई सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। फिर इनमें ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का कैसे है ना, सिमेट्री कैसे, मैंने अभी समझाई दिया था, सीलोम कैसी है, बॉडी में सेगमेंटेशन है या नहीं है, सिर्फ एनेलिड्स में और कुछ इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स में सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के, बाकी में नहीं होते। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब देखो पोरीफेरा में एबसेंट है, टीनोफोरा में इनकम्प्लीट है, सिलेंट्रेट में इनकम्प्लीट है, प्लेटी हेलमिन्स में इनकम्प्लीट है, और कम्प्लीट कब शुरू हुआ, एसके हेलमिन से, माने जो राउंड वर्म से, और फिर उसके बाद में तो कम्प्लीट है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है या नहीं है हमारे पाए जाते हैं, ये पूरे गुण जो है ना, इनको तीन चार बार बच्चे 4.2 टेबल को देख लेंगे, जो बेसिक्स मैंने बता दिए, तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा हर प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। ये कुछ चित्र थे जिसके अंदर ये किस तरह से जो लैम्प्रेज होती हैं, जो जिनमें माउथ नहीं पाया जाता, उसका एक चित्र था, मैंने देखने की कोशिश की थी। तो ये टेबल मैंने जनरेट की थी, ये बहुत बढ़िया टेबल है जो 2000 वाली एनसीईआरटी में है। देखिए, एक कोशिकीय को यूनिसेल्युलर लिख दिया और ये मल्टी सेल्युलर है। मल्टी सेल्युलर में जिनको स्पॉन्जेस टाइप के होते हैं ना, उनको पैराजोन्स बोलते हैं, और जो और हायर कैटेगरी के कॉम्प्लिकेशंस आ गए उनको यूमेटाजोन्स बोलते हैं। तो यूमेटाजोन्स में जिनमें रेडियल सिमेट्री, मैंने अभी बताया हाइड्रा दिखाई रखा है, इसका कार्ड दिखा रखा है, रेडियल सिमेट्री है। फिर ये बहुत, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा डेवलपमेंट होता है ना, उसमें एक ब्लास्टोपोर होता है, उससे माउथ बनता है या एनस बनता है, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है और ये नई वाली किताब में इसका जिक्र नहीं है। ब्लास्टोपोर यदि माउथ बनाता है उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमेट, ब्लास्टोपोर यदि एनस बनाता है उसको बोलते हैं ड्यूटेरोसिलोमेट्स, प्रोटोसिलोमेट्स एंड ड्यूटेरोसिलोमेट्स। ये दो चीज बहुत जरूरी, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, किसी प्रोटोस्टोमेट का नाम बताओ जिसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी सेगमेंटेड है, आप तुरंत बोल देंगे अर्थफॉर्म में। ऐसे करके ये टेबल है, चाहे तो अब चूंकि ये अपने यूट्यूब में आ ही जाएगा, बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये सीलोम एबसेंट है, शाइजोसिलोमेट है, ये शाइजोसिलोमेट है, ये शूडोसिलोमेट है, और ये एंट्रोसिलोमेट है। ये एक अच्छी टेबल है, ये मैंने वो किताब एक लाइब्रेरी से जाके लाके उसकी स्क्रीनशॉट लिया। अभी बच्चे जाके और ये एक एक्सरसाइज होती है क्लास में, उनको ये दे दिया जाता है, भाई ये छिपकली है, इसका वर्गीकरण करो, क्लासिफिकेशन करो। ये स्पॉटिंग होती है, पहले नवीं में भी होती थी, अब 11वीं 12वीं वगैरह में। तो इन गुणों के आधार पर धीरे धीरे बच्चे ये देखते हैं इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर नहीं है, मल्टी सेल्यूलर है, इसके अंदर सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, इसके अंदर सिलोमियस प्रेजेंट है। ऐसे करते करते धीरे 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 वो एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और ये बता देते हैं। तो ये मैं बता ही चुका था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर साहब ने दिया, इसको रिपीट नहीं करना चाहता। बहुत सारा जीवन हमारे पानी के अंदर, एक बूंद पानी का लेकर आओ तो आपको बहुत सारे सिंगल सेल्स चलती नजर आती हैं। देखिए, हम चारों तरफ देखते हैं तो मल्टी सेलुलर दिखाई देते हैं, जैसे मैं आपको दिखाई दिया, हाथी दिखाई दिया, शेर दिखाई दिया, लेकिन पानी की बूंद के अंदर रेणु जी इतने सारे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये कितना खूबसूरत है ना। ये पानी की बूंद का एक छोटा सा वीडियो तैयार किया गया जिसके अंदर है पैरामीशियम है सर, और उनके अंदर ट्रांसपेरेंट बॉडी सारी चीजें। हेलो सर, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि पानी की बूंद में इतने सारे यूनिसेलुलर जीव मिलेंगे, तो क्या ओशियन के पानी में, समंदर के पानी में अलग होगा और नदी के पानी में अलग होगा, या टैप वाटर में अलग होगा, क्या ऐसा भी कुछ क्लासिफिकेशन है या भी ऐसा कुछ डाइवर्स? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा, बहुत ही इंटेलिजेंट रेणु जी। जो जलीय पानी जो होता है ना, उसके अंदर क्या है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, परंतु इनके अंदर ये खासियत होती है कि वो कम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। यदि इसको पानी के जंतुओं को मैं समुद्र वाले पानी में डाल दूं, ये सब मर जाएंगे। यही हाल होता है, समुद्र में भी पाए जाते हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, समुद्र में भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं,
परंतु उनको जैसे ही अपन साधारण पानी है ना, अपन पीने का पानी लेते हैं फ्रेश वाटर, उसमें डालते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई होती है कि वो हाई सॉल्ट को ही लेकर जिंदा रहते हैं, लेकिन पाए वहां भी जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, पाए वहां जाते हैं, परंतु उनके अंदर की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि वो समुद्री जीव पानी के अंदर ही वो जिंदा रहते हैं। और आपको एक चीज बता देता हूँ, व्हेल जो होती है ना, व्हेल, हम इतनी बड़ी व्हेल होती है, मैं तो सोचता था व्हेल बड़ी बड़ी मछली खाती है, वो अपने मुंह से पानी लेती है और छोटे छोटे इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ क्रस्टेशियंस हैं, वो उसके गिल्स में फंस जाते हैं और उसको खाती है वो। तो समुद्र में बहुत सारे पाए जाते हैं। और ये हाइड्रा है और ये अर्थवॉर्म। अब जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि एक पानी की बूंद के अंदर ये पैरामिशियम है, तो आप तुरंत बता देंगे सर ये तो यूनिसेलुलर है। फिर मैं बोलूंगा रेणु जी ये हाइड्रा मिला हमें और ये अर्थवॉर्म मिला, इसके बारे में थोड़ा बताएं। भाई हाइड्रा तो मल्टीसेलुलर है, बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है, इसमें डिप्लोब्लास्टिक, मैंने अभी आधार बताया था, इसकी सिमेट्री रेडियल है ना, कहीं से भी ऊपर रेडियस पे काटें तो बराबर के हिस्से दिखाई देते हैं। ये कैचुआ नजर आता है, ये मल्टीसेलुलर है ना, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या डिप्लोब्लास्टिक देखो लिख रखा है मैंने, ये ट्रिप्लो, ये मैंने लिखा है कि मान लो बच्चों के सामने अचानक कोई भी जंतु आ जाए तो वो कम से कम इन आधार पर कह सकता है कि सर ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसकी सिमेट्री बाइलेटरल है और इसका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लग रहा है कि सिलोमेट होना चाहिए। तो यही क्लासिफिकेशन है और यही बच्चों को आना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को आना चाहिए कि हम बेसिक करेक्टर्स, आधारभूत करेक्टर्स के आधार पर उनको विभिन्न कैटेगरीज के अंदर रख सकें। अब मैं आपको इन्हीं का जो क्लास का, जिसमें अक्सर जो है ना ये कहते हैं कि ये, मैंने इसको लाने की कोशिश की कि सिंपल है ये चैप्टर को देखते हैं, कहीं कहते हैं कि समझने में दिक्कत आती है, हम कैसे इनको पहचाने। अब ये देखिए, ये स्पॉन्ज है, ये पोरीफेरा के अंदर आता है ना, मैंने इसको लाने की इनकी पुस्तक से ही मैंने ये उदाहरण लिया है। फिर ये सी एनीमून है, एडम्सिया है, ये सीलेंट्रेटा के अंदर आते हैं जिसमें हाइड्रा आता है ना, मतलब इनके गुणों के आधार पर ये कॉम जेली है, टीनोफोर्स है। अब ये धीरे धीरे और थोड़े से ये देखो टीनोफोर, ये कॉम जेली है, ये वर्म है जो हमारे पेट में जो फ्लैटवर्म्स होते हैं ना, इससे लिवर फ्लूक होता है। ये दोनों प्लेटिहेलमिंट्स हैं, चपटे होते हैं, चपटाकर्मी बोलते हैं इनको। तो इनको ये सब जो है हायर ग्रुप में है, लेकिन इनमें सीलोम, यहाँ स्यूडोसीलोम पाई जाती है। अब इतना तो याद रखना पड़ेगा कि भाई एस्केरिस है, राउंड वर्म है, इसमें सीलोम स्यूडोसीलोम है, परंतु यहाँ आगे ये नीरीज है, ये जोंक है, ये पूरे तरह से सीलोमेट है। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है, इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी आधार मैंने बताया। अब ये इनकी पुस्तक से ही मैं दिखा रहा हूँ, ये जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, चाहे वो ये ग्रास ओपर है, तितली है, या ये क्रस्टेशियन है, क्रेफिश है, या स्पाइडर है, इनके सामान्य गुण है, जैसे इनके अंदर काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, इनको सबको आर्थ्रोपोडा में रख दिया। तो गुणों के आधार पर ये मोलस्क है, ये शंख जो जिसको मोलस्क के अंदर जो दिखाई दे रहा है, गैस्ट्रोपोड्स हैं, और फिर ये स्टारफिश है, स्टारफिश आ गई। स्टारफिश के अंदर जो करेक्टर्स हैं उसके अंदर वो एडवांस करेक्टर्स हैं जो धीरे धीरे जो हम तक आते आते, ये जंतु इसको देखते हुए कहते हैं सर ये हेमिकॉर्डेटा क्या होता है। हेमिकॉर्डेटा माने इनमें कॉर्डेट गुण तो है, मैंने बताए थे ना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लिट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एक बार मेरे को एक इंटरव्यू में पूछा गया था डिफाइन प्रोटोकॉर्डेट, मैंने तुरंत एक ही डेफिनेशन बोली, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोग क्या है इनको छोड़ देते हैं, तो ये हेमिकॉर्डेट्स हैं, यानी कि इनमें अभी कॉर्डेट के गुण धीरे धीरे आ रहे हैं, ये मैं बता ही चुका था, ये टिपिकल कॉर्डेट करेक्टर्स हैं। और कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं जिनका डिटेल अध्ययन अब इनके यहाँ पर नहीं है, ये मैं आप बता ही चुका। ये पेट्रोमाइजोन है जिसको लैम्प्रेज बोलते हैं, जो दूसरी मछलियों पर जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, जैसे ये चित्र आते हैं, तुरंत मैं इसका पूरा बखान कर दूंगा कि दिस इज ए पेट्रोमाइजोन, दिस हैज गॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, दिस हैज गॉट ए सिलोम, इट हैज गॉट ए ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, इट हैज गॉट नोटोकॉर्ड, ये सारी चीज बता दो। और फिर इसके बाद में एक गुण आया, जॉलेस है, इसमें जॉ नहीं होते हैं, सीधा इसको साइक्लोस्टोमीटा में देखो, ये लिख रखा है ना क्लास साइक्लोस्टोमीटा 4.2 1.1.1, सीधा इसमें रख दिया। फिर इसके बाद में अरे ये तो मछली है, मछली है, कॉन्ड्रिक्थिस है, सुपर क्लास स्पीसीज में आती है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी
कार्टिलेज की बनी होती है, इसके अंदर पूरा स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, तो ये कॉन्ड्रिक्थिस में पाई जाती है। और ये नीचे वाली है ये ऑस्टिक्थिस में, क्योंकि इसमें सारा जितना भी है ये जो स्केलेटन बना होता है हड्डी का कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ओस्टियम हड्डी ऑस्टिक्थिस, है ना। फिर इसके बाद में धीरे धीरे ये फिशेज आ गई, ये सी हॉर्स है, समुद्री घोड़ा कहलाते हैं लेकिन मछली होती है जी। तो इनके अंदर जो अभी आ गए मेंढक, अब सारे गुण इसमें वर्टिब्रेटा के, मैंने अभी बताया ना रीढ़ की हड्डी भी पाई जाती है इनमें, स्पाइनल कॉर्ड भी पाई जाती है, लेकिन त्वचा इनकी लसलसी होती है। आप देखो मेंढक की त्वचा बिल्कुल ऐसी होती है, स्मूथ होती है, लसलसी त्वचा होती है, है ना। आप टोड में लसलसी नहीं होती है, टोड होते ना आपने देखा होगा कई बार बरसात में आ जाते हैं, खुरदरी त्वचा होती है, लेकिन वो है सब एम्फीबिया, यानी कि कुछ समय पानी में और कुछ समय जमीन पर पाए जाते हैं। अब ये सारे रेप्टाइल्स आ गए, राइट। बाएं से चलते हम, ये चैमिलियन है, ये क्रोकोडाइल है, ये टॉर्टोइज है और ये स्नेक है। इनके अंदर सारे वो गुण पाए जाते हैं जो त्वचा के डेरिवेटिव स्केल्स हैं, और भी अन्य गुण पाए जाते हैं, तो इनको एक श्रेणी में रख दिया। अब जैसे मान लो मैं जंतुओं का लाइब्रेरियन हूं, है ना, मैं गया था ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन, और मैंने कहा कि भारत में पाया जाने वाला इंडियन बुल फ्रॉग देखना चाहता हूं, तो वहां सीलिया क्लार्क बाकी जो म्यूजियम क्यूरेटर थी उसने कहा कम डॉक्टर शर्मा लुक दिस इज योर इंडियन बुल फ्रॉग। मैंने कहा कमाल, ये वो ही हुआ जो कि अभी आपने लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा कि एम्फीबियन है, मैंने कहा यस एम्फीबियन है, लोकेशन कहा है, मैंने कहा यहाँ जगह पाया जाता है, तुरंत मेरे को उसमें एक जार में देखिए ये आपका राना टाइग्रिना है जिसको आप होब्लोबैट्रिकस टाइग्रिनिस या इंडियन बुल फ्रॉग बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन से मतलब बहुत बड़ा ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, इसी तरह से भारत में कलकत्ता के अंदर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा म्यूजियम है, तो जब भी हम जाएं तो उनको गुणों के आधार पर वहां के मतलब इनके लाइब्रेरियन को बोलते हैं म्यूजियम क्यूरेटर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे पुस्तकों के व्यवस्था पर लाइब्रेरियन। हाँ जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 5 मिनट का समय हमारे पास शेष है इस सत्र के लिए सर। हाँ जी, हाँ जी। अब कोई भी ऐसी जानकारी, मैं लगभग सारी चीजें यहाँ बता चुका था, और इनकी पुस्तक को मैं इसलिए लेकर यहाँ पर साथ में आया क्योंकि मेरे को ये लगा कि कहीं बच्चों को ये फील नहीं हो कि ये चीजें हमको अचानक कहां से आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू फाइंड एनी एनिमल यू ट्राई टू ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। और जब हम उस क्लासिफिकेशन के अंदर उनमें ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो किससे ज्यादा मिलता जुलता है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपने लंगूर देखा है, आपने बंदर देखा है, आपने जू के अंदर ऑरेंगटॉन देखा है, और आपने मनुष्य देखा है ना, तो आपको ये तय करने में एक मिनट नहीं लगेगी ये सब प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स के अंदर जो गुण पाए जाते हैं ना, जो मनुष्य में भी, तो ये हम उनको विभिन्न ग्रुप्स के अंदर रख सकते हैं। इसी तरह से आप पानी के अंदर छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखें, यहां आपने देखा कि अरे तो पैरामीशियम है, अरे तो यूग्लिना है, अरे तो अमीबा है, सारा एक सिंगल सेल काम कर रहा है, आप सीधा से बोल दो ये प्रोटोजोअन, फाइलम प्रोटोजोआ का जंतु है। तो यदि कोई प्रश्न हमारे विद्यार्थियों ने कुछ पूछा हो तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ, आपके मस्तिष्क में भी कोई सवाल आ रहा है तो उसका उत्तर दे सकता हूँ। एक प्रश्न में जो बहुत बच्चे पूछते हैं, ये क्लास के अंदर में गया, सर इस अध्ययन का फायदा क्या है, रेणु जी ज्यादातर पूछते हैं कि ये हम अध्ययन, क्योंकि ये शिक्षक को सबसे पहले बताना चाहिए कि इस अध्ययन का फायदा क्या है। right. इस अध्ययन का फायदा ये है कि जब भी हम हमारे चारों तरफ जीव जंतुओं को देखते हैं तो हमारी नेचर को बैलेंस मिलना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि ये जीव प्रजाति तो एक्सटिंक्ट हो गई, लुप्त हो गई, है ना, मैमोथ पाए जाते हैं, है ना, ये एक अच्छी चीज नहीं है। यदि हम इन जीव जंतुओं का एक सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं करें, हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन से जीव जंतु कब आए और कब लुप्त हो गए, डायनासोर्स लुप्त हो गए। अच्छा, हर जीव जंतु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मेरे से किसी ने कहा कि सांप की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्नेक्स इन नेचर, मैंने कहा बहुत बड़ी भूमिका है। तो उन्होंने कहा क्या है, ये तो काटता है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा कि सांप चूहे खाते हैं, अन्य रोडेंट्स को खाते हैं, और हमारी कृषि, हम कृषि प्रधान देश हैं,
कई लोगों ने ये कहा कि यदि चूहों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारी कृषि की उपज आधी ही रह जाएगी। आप अंदाजा लगाएं कि खरबों रुपए की हमारी कृषि आधी रह जाए तो एकदम से हम चौंक जाएंगे। हाँ जी। और वो कब होगी? जब हमारे सांप खत्म हो जाएंगे। तो सांप खत्म हो जाएंगे, छिपकलियां खत्म हो जाएंगी। अब मेरे से कईयों ने कहा कि मच्छरों की तादाद यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई, मतलब छिपकलियां कम हो गई, छिपकलियां घट गई। तो एक दूसरे प्राणी की एक दूसरे पर निर्भरता समझना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे प्राणियों के गुण होते हैं जिनके आधार पर, जैसे जो बहुत छोटे जीव जंतु होते हैं, विशेष तौर से वनस्पतियों के अंदर मेडिसिंस वगैरह बनाने के लिए काम में आते हैं, परंतु प्राणियों का तो हमारे यहाँ पर अब एलिफेंट से, टाइगर से, आपने सुना अभी चीता को यहाँ पर कुनो नेशनल पार्क में लेकर आए थे। क्यों लेकर आए? क्योंकि इंडियन चीता खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि हमने उनको सही तरह से यहाँ पर उनका अध्ययन नहीं कर पाया, उनकी टैक्सोनॉमी नहीं कर पाई। आज भी कई पूछते हैं, सर चीता के अंदर और लेपर्ड के अंदर क्या अंतर होता है? आप देखो, एक लंबा सा तेज दौड़ने वाला चीता होता है, तो ये किस श्रेणी में आते हैं? कार्निवोर्स हैं ये, सर कार्निवोर्स हैं, यानी कि ये मांसाहारी प्राणी है। तो ये आधार के, देखिए हमें अपनी सृष्टि को सिर्फ पत्थरों की दीवारों से और कंक्रीट जंगल से नहीं बनाना है, हमें सभी जीव जंतुओं का इस धरती पर अस्तित्व को देखना है। इसी वजह से हमको इनका अध्ययन करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से प्राणी खत्म हो गए, कौन से प्राणी अभी भी अच्छी तादाद में है, किन प्राणियों का हमको हमको अध्ययन करना है, किन को बचाना है जी। तो इनके सर्वाइवल वगैरह पर ये एक टेक होम मैसेज है कि we'll have to study taxonomy and classification। बहुत ही ब्रीफ में जानना चाहेंगे, we are running very short of time, बहुत ही ब्रीफ में सर जी। तो अब लगभग पूरा हम संपन्न कर चुके हैं। The only thing which I would like to convey through this session that we'll have to take care of all the organisms found around us, and taxonomy and classification is one of the best branches of the एनिमल एंड प्लांट साइंसेस। राइट। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो सर आपने हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, आई एम क्वाइट श्योर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ रहे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर व्यूवर हो, उन सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी, उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। सर आप हमसे जुड़े, शर्मा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। और बहुत ही अच्छे से आपने डिटेल में समझाया एनिमल किंगडम के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन बेसिस के बारे में। और बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत ही सरल और सहज ढंग से आपको समझाया गया। और अभी हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हम हाजिर होंगे जो कि फिजिक्स के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहे ए विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति। नमस्कार।